बोल पूछ। बहुत देर हो रहा है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। चाउंडे रोड स्थित किसी सूखे कुएं में एक सांड गिर गया है और सूचना मिलते ही थानाधिकारी श्री राजेश मीणा जी से निर्देश पाकर पुलिस मित्र टीम तुरंत मौके पर पहुंचे। साथ ही एनिमल केयर सोसाइटी के हेमंत रायता भी सांड को निकालने हेतु वहाँ पर पहुँचे और करीब डेढ़ घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद में पुलिस मित्र टीम ने श्री किशन गोपाल जाट को क्रेन की सहायता से कुएं में उतारा, परंतु कुएं में जहरीली गैस होने के कारण और सांस लेने में कठिनाई होने के कारण रेस्क्यू को अंजाम देने से पहले ही उन्हें वापस बाहर निकाल लिया गया और उसके पश्चात अजमेर से सिविल डिफेंस की टीम को बुलाया गया, परंतु उनके पास साधन पर्याप्त न होने की वजह से उन्होंने रेस्क्यू को अंजाम नहीं दिया। इसके पश्चात थानाधिकारी राजेश जी मीणा ने व तहसीलदार जी पंकज जी बरगुजर साहब ने SDRF की टीम को मौके पर बुलाया, परंतु ऑक्सीजन मास्क न होने के कारण वह उचित साधन उपलब्ध न होने के कारण वो भी कार्य को अंजाम देने में असफल रहे और अंत में NDRF की टीम को अजमेर से बुलाया गया और करीब डेढ़ घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद में NDRF की टीम व पुलिस मित्र टीम के प्रयासों द्वारा सांड को बाहर निकाल लिया गया, परंतु तब तक सांड की मृत्यु हो चुकी थी। आपका नाम? अमित भट्ट, पुलिस मित्र टीम पुष्कर। आज आपका क्या अनुभव रहा इस रेस्क्यू से? हमारा ये अनुभव रहा कि जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी है राजीव जी मीणा तहसीलदार साहब, उनके एक मूक प्राणी को बचाने के लिए आज चार चार टीमों ने एक साथ साझा ऑपरेशन किया, जिसमें पुलिस मित्र टीम ने सर्वप्रथम पहुँच के मैं वहाँ पे क्रेन की सहायता से अंदर गया। तकरीबन 120 फीट अंदर जाने के बाद मालूम चला कि गैस के अंदर बहुत ज़्यादा गहरी गैस है। उस गैस की वजह से मैं 2-3 फीट रह गया था पूछना, तो उसमें नहीं पूछ पाया। उसके बाद में फिर वापस अजमेर से सिविल डिफेंस टीम आई, उसने भी इक्विपमेंट नहीं होने की वजह से वो भी उस रेस्क्यू को अंजाम देने से मना कर दिया। उसके बाद में फिर SDRF टीम को फ़ोन किया, SDRF टीम आई, उसके पास भी उपकरण नहीं होने की वजह से वो भी उतरने से मना कर दिया। उस लास्ट में हमारे जो अधिकारी हैं उन्होंने NDRF टीम को बुलाया। NDRF टीम के तकरीबन डेढ़ घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन से ऑक्सीजन मास्क लगा के उतरने के बाद उस रेस्क्यू को अंजाम दिया गया। और हमारे ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हमारे को काम करके बड़ा गर्व होता है कि हम पुलिस मित्र टीम के माध्यम से हमारे को सेवा करने का मौका दे रहे हैं। जी, करीब कितने घंटे चला आज का रेस्क्यू ऑपरेशन? तकरीबन 9 घंटे ऑपरेशन चला। जी, आपका नाम? किशन गोपाल जाट, पुलिस मित्र टीम पुष्कर।